हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी में 11 जुलाई को रात 10 बजे जो 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया था उसकी अवधि आज 13 जुलाई सुबह 5 बजे खत्म हो चुकी है और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जो अब स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हैं और पीछे से जो रोड आ रहा है वो रोड है दिल्ली की तरफ से आने वाला रोड जो नोएडा की तरफ जाता है। इस रोड पे जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से ही चेकिंग हो रही थी। यहाँ पर मल्टी लेयर बैरिगेटिंग करने के बाद से ही जो सुरक्षा बल हैं, जो यहाँ पे अधिकारी हैं, वो यहाँ तैनात रहते हैं और लगातार हर गाड़ी की चेकिंग करते हैं और साथ ही साथ लॉकडाउन के दौरान बिना पास वाले वाहनों को नोएडा में एंट्री नहीं दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही आज सुबह लॉकडाउन की अवधि खत्म होती है उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है। सभी गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। अब पास की चेकिंग जो है वो नहीं की जा रही है लेकिन अभी भी जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन लोगों को रोककर जरूर पूछा जा रहा है। उन लोगों को जरूर मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ इसी वजह से अभी फिलहाल यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। पिछले दिनों जब लॉकडाउन के दौरान यहाँ गाड़ियों को रोका जाता था उस दौरान यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती थी लेकिन अब जो है यहाँ पर स्थिति कुछ बेहतर नजर आ रही है। साथ ही साथ यूपी में लॉकडाउन तो खत्म कर दिया है लेकिन साप्ताहिक बंदी जो है वो जरूर है, यानी कि शनिवार और रविवार को यूपी में सब कुछ लॉकडाउन की तरह लॉकडाउन के नियम और शर्तों के अनुसार बंद रहेगा। इसी तरह से यूपी सरकार ने जो है रविवार को ये फैसला दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रतिदिन वहां पे 50,000 जो कोरोना जांच है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।